सो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले महीने 25 फरवरी 2022 तक ICDS विभाग ने उन सभी सेविकाओं सहायिकाओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार बोर्ड से कराया हुआ था जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कुछ बोर्ड जो बिहार के बाहर के जैसे CBSE बोर्ड या फिर संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मध्यमा वगैरह के लिए यहाँ पर एक अलग अपडेट आपको देखने को मिल रही है कि 1.5 वर्ष पूर्व एक सहायिका सेविका का जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड पाया गया था, लेकिन फिर भी लिखा गया है पेपर में कि मिलीभगत से वो सेविका अभी तक काम कर रही है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा इस खबर को। लिखा गया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 3 सेविका 1.5 साल से काम कर ही रही है। संस्कृत बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी थी, यानी उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से 1.5 साल पहले कराया गया था। संस्कृत बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी थी कि ऐसा कोई भी मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट हमारे बोर्ड से जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 1.5 साल से वो काम कर रही है। देखिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा कि दूसरे बोर्ड की सेविकाओं को भी इसे कुछ ना कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया, मिली भगत मनीगाछी का प्रखंड का मामला बोर्ड के सत्यापन रिपोर्ट में जो अंक पत्र है यानी कि मार्कशीट और डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र उसके यहाँ से निर्गत नहीं होने की जानकारी दी गई थी, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रखंड के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं का चयन महज 6 महीने बाद ही जांच के उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी होने का मामला सामने आया। इसके 18 महीने बीत गए हैं लेकिन वो तीनों सेविकाएं CDPO और DPO के मिली भगत अभी तक कार्यरत है, जैसे इस खबर में दिया गया है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 266 की नियुक्त सेविका अर्चना कुमारी के मध्यमा मैट्रिक समकक्ष के प्रमाण पत्रों का ICDS के DPO ने सत्यापन कराया था। संस्कृत शिक्षा बोर्ड 18 अगस्त 2020 का सत्यापन रिपोर्ट भेज दिया गया। उसमें उल्लेख स्पष्ट है कि अर्चना कुमारी का अंक पत्र जो है उसके बोर्ड से निर्गत नहीं किया गया है, जबकि DPO ने 26 अगस्त को स्पष्टीकरण पूछ के छोड़ दिया। ऐसे 2 और मामले हैं जहां पर सेविकाओं का डॉक्यूमेंट जो जाली था, नकली था, लेकिन फिर भी वो काम कर रही है। विभागीय जांच के बाद फर्जी पाया गया था प्रमाण पत्र। देखिए मैं आपको बता दूं कि BSAB बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड पटना के लिए जो भी 25 फरवरी 2022 तक इस बार जो है ICDS विभाग ने अपने तरफ से जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कराया था, अगर उसमें किसी का डॉक्यूमेंट जो है जाली नकली पाया जाता है तो देखिए कार्रवाई क्या होती है। जितना आपको मानदेय मिला होगा वो सारी की सारी वसूली हो जाएगी, पैसा वसूल कर दिया जाता है, आपके ऊपर केस भी चलेगा, फ्यूचर में आप किसी भी सरकारी नौकरी में भी नहीं जा सकती हैं, तो ऐसा काम ना करें। लेकिन ये यहाँ पर मिली भगत होने की बात की जा रही है जबकि ये डॉक्यूमेंट इनका गलत था। यहाँ पर लिखा गया था फर्जी पाया गया, संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने इस डॉक्यूमेंट को गलत ठहराया था और यहाँ पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया उस ब्लॉक की, उस परियोजना की CDPO कहती है और DPO कहती है कि उन्हें मामले की ही जानकारी नहीं है। इसके फेर में आप ना पड़े, अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट गलती है और आप काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको बाद में पूरी केस चला कर वसूली कर ली जाएगी। तो यही थी आज की जानकारी, मुझे वीडियो जानकारी मिल गई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।